स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ गए अमित शाह व अरुण जेटली के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए लुधियाना के भाजपा नेताओं की ओर से एक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इन नेताओं ने प्रार्थना की कि भगवान इन दोनों को बीमारी से जल्द राहत दे, मगर इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि यहां भाजपा कार्यकर्ताओं से ज्यादा मासूम स्कूली बच्चे दिखाई दिए जो हवन यज्ञ के बाद वहाँ बिछी दरिया और कुर्सियों को संभालते दिखे। हवन रखा गया है, मैं समझता हूँ कि वो एक महान लीडर हमारा हिंदुस्तान का अरुण जेटली जी की बीमारी जो लगी है वो ठीक हो और ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हवन यज्ञ किया गया है और इसमें बच्चे, मेरी बहनें और भाई सब लोग आए शामिल हुए हैं। मैं हिंदुस्तान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर नेशनल तो मेरे सारे कार्यकर्ता जिस सर्दी में जिसको इनवाइट किया है वो आ सके हैं। कई दफ़ा नहीं भी आ सकता, ज़रूरी नहीं कि कोई आया है नहीं आया, लेकिन सबकी दुआ हमारे साथ है और वो अरुण जेटली जी के साथ हैं, जो घर बैठा है उसका भी आशीर्वाद है। हाँ, वो कोई कारण होगा, कोई किसी जगह और बिजी हो सकते हैं। नहीं, इसका मेन कारण है क्योंकि ये अचानक ही कल शाम हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था सभी ने, तो एकदम अचानक प्रोग्राम बनने पर कि भाई सुबह एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है तो ज़्यादा लोगों पर सूचना ना पहुंचने की वजह से, और हम ये भी नहीं कह सकते कम तादाद में, यहाँ शहर के जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं जो जिला प्रधान जी वो शायद किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से नहीं पहुँच पाए। आप लेट आए होंगे जी, कार्यकर्ता और बच्चे, क्योंकि यहाँ स्कूल चलता है तो उनको भी शामिल थे और कार्यकर्ता सब थे। हाँ, जिला प्रधान कहीं काम होंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोसाई साहब हैं, महामंत्री हैं, सब लोग हैं, तुम्हारा इसी कोई पॉलिटिकल तो नहीं इसको कह सकते आप, ये तो हमारी भावना है।